अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम कायनात का वाहिद मालिक है। अज़ीज़ बच्चों, हमारे इससे पहले की वीडियो में हमने जमात चाहरुम के रियाजी के पहला उन्वान, कई अशिया मुख्तलिफ अशकाल के बारे में मालूमात हासिल की और इसे समझने की कोशिश की। तो आइए बच्चों, आज हम मुख्तलिफ अशिया और उनकी मुख्तलिफ अशकाल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हम बच्चों मुख्तलिफ अशकाल के जो मखसूस किस्म के जो अशकाल हैं उनके किनारे और कोनों के बारे में गिनती करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किनारा किसे कहते हैं और कोना किसे कहते हैं। ईंटनुमा अशकाल में जो इख्तितामी हिस्सा होता है, यहाँ पर इस तरह के जो हिस्सा होता है, सतह का ख़त्म होने वाला हिस्सा, इस सतह का ये ख़त्म होने वाले हिस्से को हम कहेंगे किनारा। और ये जो दो किनारे मिलके जो ये नोकीला हिस्सा बन रहा, उसे कहेंगे हम कोना। तो अब हम यहाँ पे किनारों की तादाद की गिनती करेंगे कि ईंट नुमाशिया में कितने किनारे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक, दो, ये तीन और ये चार। इस तरह सामने चार तो पीछे भी चार, इस तरफ भी चार, ये चार, ये चार, आठ, ये नौ, दस, इस तरफ ग्यारह, ये बारह। तो ईंट नुमा अशिया में जो है किनारों की तादाद होगी बारह। अब इसके बाद हम इन अशिया के कोनों की तादाद मालूम करेंगे। तो ये बच्चों, ये जो नोकीले हिस्से हैं, हम उसकी हम गिनते करेंगे, एक, दो, तीन, चार, इस तरफ चार नोकीले हिस्से और इस तरफ चार नोकीले हिस्से। तो कोनों की तादाद हो गई आठ। तो ईंट नुमा अशिया में पाए जाने वाले कोनों की तादाद आठ। इसी तरह हमारी दूसरी शक्ल है पांसा नुमा अशिया। अब हम पांसा नुमा अशिया के किनारों की गिनती करेंगे, एक, दो, ये तीन, ये चार, इस तरफ चार, इस तरफ चार, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो पांसा नुमा अशिया में भी किनारों की तादाद हो गई बारह और कोनों की तादाद एक, दो, तीन, चार, इस तरफ चार तो इस तरफ चार, तो कोनों की तादाद हो गई आठ। किनारों और कोनों की तादाद के बाद अब हम मुख्तलिफ अशिया के पहलू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ईंट नुमा शक्ल में कितने पहलू पाए जाते हैं उसको समझेंगे। ये ऊपर की जो सतह है इसे हम कहेंगे पहलू। यहाँ पर देखिए, ये एक पहलू और इसके नीचे वाला हिस्सा दूसरा पहलू। इसी तरह से इस साइड एक पहलू, इस साइड एक पहलू। तो ये एक, ये नीचे वाला दो, तीन और पीछे चार। इस साइड भी एक पहलू है पाँच और इस तरफ एक छः। तो ईंट नुमा अशिया में जो है पहलू की तादाद होगी छः। और इसके बाद हमारी दूसरी शक्ल जो पांसा नुमा शक्ल है, इसके अंदर अब हम पहलू की तादाद गिनेंगे। ऊपर वाला हिस्सा, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा हो गए दो, फिर सामने वाला तीन, उसके पीछे चार, इस तरफ सीधे हाथ तरफ छः पाँच और इस तरफ छः। इसके बाद अब हमारी तीसरी शक्ल यानी जोकर की टोपी नुमा जो भी अशिया पाई जाती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे मेहंदी का कोन, आइसक्रीम कोन वगैरह, उन अशिया की कोनों और किनारों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो नोकीला हिस्सा है वो इस शक्ल का कोना है और ये जो नीचे का इख्तितामी ख़त्म होने वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे, ये जो सरफेस वाला हिस्सा है इसे हम किनारा कहेंगे। तो जोकर की टोपी नुमा अशिया में किनारों की तादाद कितनी होगी, एक, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका किनारा होगा, और कोने की तादाद होगी, ये ऊपर नोकीला हिस्सा, इसमें भी कोने की तादाद होगी एक। इसी तरह हमारी चौथी शक्ल है ढोल नुमा अशकाल। जो भी ढोल नुमा अशकाल यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम देखते हैं सिलेंडर या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस, उनके अंदर किनारों की तादाद कितनी होगी हम देखेंगे। ये ऊपर का हिस्सा, ये जो ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पर आके, ये हिस्सा होगा किनारा और ये नीचे वाला हिस्सा किनारा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो ढोल नुमा अशिया में किनारों की तादाद होगी दो। इसी तरह से कोने, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, कहीं कहीं पर कोई नोकीला हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ढोल नुमा अशिया में कोने नहीं पाए जाते। हमारी तीसरी आखिरी शक्ल है गेंद। तो बच्चों, गेंद में आपको क्या कोई नोकीला हिस्सा नज़र आ रहा है या फिर कोई किनारा? नहीं, गेंद नुमा अशिया में कोई किनारा नहीं पाया जाता और कोई कोना नहीं पाया जाता। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो उन्वान है कई अशिया मुख्तलिफ अशकाल के अंदर हमने मखसूस चंद मखसूस अशिया के अशकाल और उनकी साख्त को समझने की कोशिश की है।
आप तमाम भी अपने अतराफ के माहौल में अपने घर में मुख्तलिफ अशिया को इन मालूमात के ज़रिए जोड़ के उसकी मश्क कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ने इस सबक को बगौर सुना होगा और हमारे आने वाले वीडियोज़ में मुख्तलिफ उनवानात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।